कन्नौज जिले में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है जहां पर जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के जरिए नागरिकों को जोड़ा गया और तमाम नागरिकों ने स्वयं आगे बढ़कर अच्छे कार्य किए। उन्होंने कहा कि एक आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के साथ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज कन्नौज नगर में हम सब साथी एकत्रित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मन की बात हमें बताई गई, उनका ये कार्यक्रम हमने टेलीविजन पे सुना और स्मार्टफोन पे भी सुना। खुशी की बात यह है कि उनके प्रत्येक संबोधन में ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया गया जहां पे जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के जरिए नागरिकों को जोड़ा गया और तमाम नागरिकों ने स्वयं आगे बढ़ के अच्छे काम किए। हाँ, सरकार का इसमें बड़ा योगदान रहा, सरकार की फंडिंग भी रही और यही हम सबके लिए कन्नौज में एक सबक है कि सरकारी प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने एक बजट दिया, उसको खर्च कर दिया गया और पूरा हो गया। सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी प्रोजेक्ट के बाहर भी उन्नति का मार्ग यह है जहाँ पे एक आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के साथ हम सब मिल करके कार्य करें, जो सरकार का बजट है उसको सदुपयोग करें, सरकार की मशीनरी का सदुपयोग करें, भ्रष्टाचार से मुक्त करें और अच्छे परिणाम दें।